हे गाइस, देखो मैम क्या कर रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का व्लॉग हमने शाम को शुरू किया है। मुझे लगा कि आज का व्लॉग निकलना ज़रूरी है क्योंकि मैडम कुछ काम कर रही है, बेबी के सब कपड़े ऑर्गेनाइज कर रही है, सॉर्ट कर रही है। ये देखो, ये सब सॉर्टिंग का काम शुरू है अभी बेबी के कपड़ों का। मैंने इधर जो बड़े बड़े क्लोथ्स रहते हैं बेबी को स्वेटर करने के लिए, वो घड़ी वो निकाले हैं। ये सब बाहर डालने के कपड़े हैं बेबी के, रोमपर वगैरह। ये नैपकिन और कैप है बेबी की। ये लंगोटी है बेबी की। और ये डेली वेयर के कपड़े हैं बेबी के। और भी बाकी सारे चीजें हैं यहाँ पे, वो सब सॉर्ट करना अभी बाकी है, बाकी थोड़ा है। थोड़ा कर रहे हैं। अभी ये सब सॉर्ट करके हम नए कबड़ में रखेंगे, नए इस कबड़ में रखेंगे। और इधर से जो कपड़ा था वो हमने निकाल दिया है कबोर्ड। और इधर बेबी का कबड़ आ गया है अभी, उसके बाजू में जो लॉन्ड्री बस के जो मतलब वो शी सू करती है वो सब कपड़े अभी इसके अंदर रखने वाले हैं हम। सॉर्टिंग का काम चालू है। चलो मैं भी अभी हेल्प करता हूँ। बेबी की लोअर है लेकिन अभी तक हमने इसे पहना ही नहीं है क्योंकि ये बार बार सू करती रहती है, तो हम उसे यही ज्यादा पहनाते हैं लंगोट। तो ये लेकर वेस्ट हो गया। ऐसे मैंने 3 लिए थे लेकिन मैं डालती नहीं हूँ, और बाहर जाने के लिए उसे रोमपर ही यूज करती हूँ। तो ये सब आई थिंक मुझे लग रहा है कि वेस्ट है, और नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आएगा भी नहीं उसे। अभी पहनाएगी वो। मैं सोच रही हूँ रात के टाइम उसे डालू, ठंड ना लगे इसलिए, लेकिन मुंबई में ठंड भी तो नहीं पड़ती। मैं आपको एक स्वेटर दिखाऊंगी। मेरा भाई है ना, उसके फ्रेंड की वाइफ, उन्होंने भेजा है ये, खुद उन्होंने बनाया है हाथ से। इतना क्यूट है ना। और यहाँ पे से इस तरह का टेसल है या टाइप है, और कितना कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है। ये फ्रॉक है, फ्रॉक टाइप में उन्होंने बनाया, लेकिन माऊ को थोड़ा बड़ा आ रहा है तो इसे ये बाद में आ जाएगा। आई थिंक 6 मंथ की हो जाएगी तब हमने आएगा। हमने 6 मंथ की तैयारी भी हमने शुरू कर ली है। अभी जो कपड़े हम चूज करते हैं वो 3 महीने 3 to 6 मंथ के हम चूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी न्यू बॉर्न के कपड़े उसके बहुत है। ये 3 महीने तक चल जाएंगे कपड़े, इसके बाद तो ये सब मतलब कपड़े हम फेंक नहीं देंगे, हम उसे स्टोर करके रखेंगे। ये खुद उन्होंने हाथ से बनाया है, बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का मटेरियल। वो भी अभी प्रेग्नेंट है, उसका भी अभी 7 मंथ चालू है, 7 मंथ स्टार्ट है। तो हम भी सोच रहे हैं कि कुछ गिफ्ट उनको दे। और एक मानसी ने गिफ्ट लाया है बेबी के लिए, तो ये कुछ इस तरह का टॉप है। इसका नीचे का देना ही भूल गई, वो सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन एक क्यूट है, बहुत क्यूट है। ये भी इससे बड़ा होता है तो ये भी आई थिंक उसे 3 मंथ के बाद ही आएगा, तो इसे भी हमने रख दिया है। और एक इसे फ्रॉक आया है, ये इनकी मामी है, उन्होंने दिया है। ये भी बहुत क्यूट फ्रॉक है और कलर भी बहुत अच्छा है इसका, लेकिन ये भी उससे बड़ा हो रहा है। आई थिंक ये 3 मंथ शालन मामी ने दिया है, 3 मंथ के बाद ही उसे आएगा। इसे इस तरह की बेल्ट है, यहाँ पे बटन से यहाँ पे इसे इस तरह से लगाने के लिए है। तो ये कुछ इस तरह का फ्रॉक है। ये मुझे फ्रॉक बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे अभी तक आ नहीं रहा है, बाद में उसे आ जाएगा। तो ये भी बात की तैयारी है। और ये मैंने एक वीडियो में दिखाया है, ये भी एक फ्रॉक विवेक के ऑफिस के स्टाफ में से किसी ने दिया है, और ये भी बड़ा है। आई थिंक 6 मंथ के भी बाद ये उसे आएगा, तो इसे भी हम पैक करके रख देंगे बाद में उसे पहनाने के लिए यूज़ होगा। तो कुछ ऐसे भी गिफ्ट्स आए हैं कि वो थोड़े बड़े हैं तो बाद में काम चल जाएगा, कुछ ले लेंगे बाद में हम उसे। Thank you.
सारे कपड़े मैंने सॉर्ट कर लिए हैं। यहाँ पे इसका ये ब्लैंकेट है और ये चेंजिंग डायपर चेंजिंग मैट और इसका टॉवेल ये अलग रखा है। ये सब कॉटन साड़ी के कपड़े हैं। ये बेबी को स्वैडल करते हैं रात में और जब वो नहाती है तब, दिन में दो बार हम स्वैडल करते हैं तो इसके लिए कपड़े लगते हैं। और ये हॉस्पिटल वालों ने दिए है कॉटन के कपड़े, इसमें भी कभी कभी हम उसे स्वैडल करते हैं तो ये अलग से रखे हैं। और थोड़े कपड़े धोने के लिए रखे हैं, निकाले हैं। और ये सब रोमपर ही थोड़ी फ्री साइज है तो इसे बाद में भी आ सकते हैं तो ये अलग रखे हैं। और ये न्यू बॉर्न के साइज के तो ये आगे चल के उसे नहीं आएंगे तो इसे मैंने अलग से रखा है। ये अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ करेंगे, ये बाद में यूज़ करेंगे। तो ये सब बाहर डालने के कपड़े हैं। और ये बेबी के कुछ शॉर्ट पैंट्स और ये लॉन्ग पैंट्स है घर में डालने के। और ये बेबी के टॉप्स वगैरह है ऊपर डालने के, टी शर्ट शर्ट्स वगैरह ये सब है। और ये इसकी लंगोटी है, कॉटन लंगोटी है, अच्छी क्वालिटी की, मैंने आपको दिखाया भी होगा मेरे शॉपिंग वीडियो में। तो ये भी कभी कभी कम पड़ जाती है, इसे मैंने 8-8 के 2 सेट मंगाए, मतलब मेरे पास 16 है, लेकिन ये भी कम पड़ जाती है। नहीं सॉरी, ये 5-5 के या 6-6 के सेट है आई थिंक, तो मेरे पास 10 या 12 होंगे तो कभी कभी ये कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉटन के पतले से जो होते हैं वो लंगोटी भी मंगवाए थे, मतलब लिए थे यहाँ से लोकल मार्केट से। तो ये भी है तो इसे मैंने अलग से रखा है। और ये बेबी के रुमाल इसे अलग से रखा है। और मैंने कुछ दिन पहले रुमाल ऑर्डर दिए थे, ये न्यू रुमाल ही, इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी तो इसे अलग से रखा है। और ये बेबी की सारे कैप्स है, ये यूज़ नहीं होती है क्योंकि वो कैप्स बिल्कुल नहीं पहनती है। अगर कैप डाले तो भी वो इतनी रोने लगती है कि जब तक हम उसे निकालते नहीं कैप को तब तक वो शांत बैठती नहीं है। तो ये सब कैप्स लेके वेस्ट है क्योंकि वो पहनती नहीं है। मुझे कमेंट भी आया था कि बारिश में, बारिश का एक वीडियो था तो उसमें कमेंट आया था कि बेबी को कैप पहनाया कीजिए, उसे ठंड लग गई, लेकिन क्या करे वो पहनती नहीं है, हम बार बार पहना दे वो निकाल देती है। इवन वो नहाकर जब उसे स्वैडल करते हैं तब भी उसके बाल गीले होते हैं, उस कारण उसे कैप लगाती है तो वो भी वो निकाल देती है, मतलब निकालने तक वो शांति नहीं होती और निकाल दिया तो शांत सो जाते, इसलिए कैप हम निकाल देते और यूज़ नहीं होती। और ये कॉटन के कपड़े हैं ऊपर जो पहनते हैं बेबी के, वो कॉटन के कपड़े हैं। ये जब हम उसे स्वैडल करते हैं तब पतला सा उसके उसे डाल देते हैं पतले कपड़े, और उसके ऊपर साड़ी, कॉटन साड़ी से उसे स्वैडल कर देते हैं। तो ये हम रात में और नहाने के बाद यूज़ करते हैं। तो ये सब मैंने सॉर्ट किया है। और ये जो कपड़े हैं ये उसे 6 मंथ के बाद ही आएंगे तो इसे मैंने अलग से रखा है। और ये इसके नैपी पैड है, कभी कभी यूज़ करती हूँ ये, तो बस ये सब सॉर्ट हुआ है, अभी इसे हम कबर्ड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके हगीज़ और इसका रेगुलर जो रात को लगता है वो सब सामान यहाँ पे रखा है, जैसे कि लोशन पाउडर काजल, और यहाँ पे इसके वाइप्स है, और ये डायपर चेंजिंग मैट और हगीज़ ये मैंने ऊपर रखा है क्योंकि रात को मुझे लगता है ये सब सामान। और यहाँ नीचे ये सब इसके ब्लैंकेट टॉवल्स वगैरह है और इसे स्वैडल के लिए यूज़ करते हैं वो सारे कपड़े यहाँ पे है। और ये नीचे सेकंड जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे इसके डेली वेयर के कपड़े सारे हैं रखे हुए। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे इसके नए वाले सारे कपड़े और नैपकिन वगैरह है और एक बॉटल कवर, और जो गिफ्ट में आए हुए बड़े कपड़े है जो इसे 6 मंथ के बाद में आएंगे वो सारे मैं नीचे रखे है। और नीचे और भी जगह खाली है तो मैं बाद में सोचूंगी कि क्या क्या रखना है। तो ये मेरा कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नहीं है, जैसे मेरी कंडीशन थी वैसे मैंने ये सब किया है, क्योंकि मैं एक छोटे से बैग में सारे कपड़े इकट्ठा करके रख रही थी, अब तक कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया था तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, जैसे मुझे ठीक लगा वैसे मैंने रखा है मेरे कम्फर्ट जोन से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।